वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और होमवर्क में जो आपको वीडियो सेंड की जा रही है उन्हें आप शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको लेसन 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 के हाफ चैप्टर की समझाते हुए एक वीडियो भेजती। आप सभी ने वो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली होगी और लेसन भी रीड किया होगा। ऐसी मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट का जो बचा हुआ पार्ट है उसे रीड करेंगे और मैं आपको उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझाऊंगा। आपने अपनी बुक को वीडियो देखते समय ओपन रखना है और जहाँ जहाँ आपको मेन पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें आपने अच्छे से समझना है। लास्ट वीडियो में हमने भारत क्या है ये समझा था, राष्ट्रीय चेतना का उदय कब हुआ ये समझा था, संप्रभु का क्या अर्थ है ये समझा था, प्रमुख राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन कौन कौन से हैं वो समझे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कैसे किसने की ये समझा था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेता कौन कौन से थे ये समझा, मध्य मार्ग के नेता कौन से थे, गर्म पंथ का उदय कैसे हुआ और वह किस प्रकार से गर्म पंथ और मध्य मार्ग की वजह से कांग्रेस में पहले फूट पड़ गई और वह फूट फिर बाद में समाप्त हो गई, कांग्रेस एक हो गई थी। उसके बाद आपको राष्ट्र जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो समझाया, ठीक है। तो क्रांतिकारी हिंसा, समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना क्रांतिकारी हिंसा कहलाता है। समाज में क्या करके अपनी मनमर्जी के समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए जब हिंसा का यूज किया जाता है तो वो क्रांतिकारी हिंसा कहलाती है। राष्ट्र जन राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय, तो सन 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में बदलने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हो गया था, संघर्ष चल रहा था, वो एक जन आंदोलन में बदल गया, यानी कि उसमें जनता में महिलाएं भी, विद्यार्थी भी, आदिवासी भी, किसान भी, सभी लोग उस आंदोलन में धीरे धीरे शामिल होने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए वो जन राष्ट्रवाद का उदय इसलिए कहते हैं कि जनता के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, महात्मा गांधी 40 वर्ष की उम्र में सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये तो आप सभी जानते हैं, वो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस समय भारत की हालत बहुत खराब थी, कब 1915 में, और कौन कितनी उम्र थी, 40 वर्ष की उम्र में। उस समय भारत की दशा जो थी बहुत ज़्यादा खराब थी, क्या कहते हैं, अंग्रेजों का हमारे ऊपर पूरा राज था, अब अंग्रेज होते अपनी मनमर्जी चला रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे, और इस अवस्था को देखते हुए महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उन्होंने भी कई आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं, अहिंसा के द्वारा हम इनको हमारे देश से बाहर भेजेंगे। उसके बाद एक कानून आया, रौलट एक्ट, कौन सा कानून आया, रौलट एक्ट, क्या था ये रौलट एक्ट। इस सन 1919 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पास किया जिसकी आड़ में किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के बंदी बनाया जा सकता था। रौलट एक्ट वो कानून था
जिसमें भारत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कारण बताए, कोई बिना वजह बेवजह किसी भी भारतीय को जिस पे अंग्रेजों को शक हो कि ये क्या कहते किसी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, तो उसे बिना कारण बताए बिना कोई वजह के वो लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे, बंदी बना देते थे। उसके बाद आया रोलट सत्याग्रह। रोलट सत्याग्रह सन 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पास किए गए रोलट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। जब ये रोलट एक्ट आया तो गांधी जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, उसका आह्वान किया। और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 का अहिंसक विरोध यानी हिंसा नहीं करनी, उनका विरोध कहते हुए अहिंसक बिना हिंसा के उनका विरोध करना है, और उस दिवस को नाम दिया अपमान व याचना दिवस के नाम से मनाया। तो ये था रोलट सत्याग्रह। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार सभी जानते हो आप, तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स से जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित शांति प्रिय भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाकर हजारों देशभक्तों को शहीद कर दिया। तो इसी क्या कहते हैं रोलट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में जो थे कुछ हमारे सिख भाई जो थे वो इसके खिलाफ अहिंसक रूप से इकट्ठे हुए, हिंसक रूप से नहीं अहिंसक बिना उसके, वो एक जगह जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह में भाग लेते हुए एकत्रित हो गई थी भीड़, तो वो हिंसा नहीं कर रहे थे अहिंसक थे, फिर भी जनरल डायर ने क्या किया उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। जो जलियांवाला बाग है उसका रास्ता जो था बहुत सकड़ा था, उस बाग के अंदर जाने का एक ही रास्ता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया जब ये लोग अंदर अपने भारत पे हो रहे अपमान के बारे में बात चल रही थी सत्याग्रह के, जब एक उन लोगों की भीड़ में एक मीटिंग चल रही थी, तो जनरल डायर ने उस रास्ते को अंग्रेजों के द्वारा ब्लॉक कर दिया और उसको घेर लिया चारों तरफ से और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था उनके लिए भागने के लिए, तो कुछ लोगों ने वहीं वहाँ पर एक कुआ था उस कुएं में देखकर अपनी जान गंवा दी, कुछ लोग जनरल डायर की गोलियों के शिकार हो गए। तो सैकड़ों लोग जो थे वहाँ पर, हजारों देशभक्त जो थे उसमें शहीद हो गए, ये सब आप जानते होंगे कॉमन भी पहले से। उसके बाद आया खिलाफत आंदोलन। कौन सा आया? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, यह आंदोलन सन 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध तुर्की के खलीफा का अपमान करने के कारण चलाया था। यह आंदोलन किसने चलाया था? यह आंदोलन चलाया था मोहम्मद अली। 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने क्या किया था, तुर्की के खलीफा जब भारत आए थे तो उनका अपमान कर दिया था, तो उसके खिलाफ 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। उसके बाद आया असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध चलाया था। ये जैसे 1920 में मोहम्मद अली शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तो गांधी जी ने उसी समय असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध। फिर आया चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड,
ठीक है, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। इसका भी आपको अपने इतिहास में हिस्ट्री में इसका वर्णन मिलता है कि 1922 में अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर किसानों ने क्या किया था, एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, तो उस आग के दौरान 22 पुलिस वाले जलकर वहां पर मर गए थे। उसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था जब गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी। उसके बाद आई दांडी मार्च, के बाद हम पढ़ेंगे दांडी मार्च। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ यानी 78 अपने विचारों को मानने वाले लोगों के साथ साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को 240 किलोमीटर का सफर तय करके अरब सागर के तट स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को भंग किया। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की थी 78 लोगों के साथ, फिर कहाँ से? साबरमती से। और वह 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचे? वो पहुँचे दांडी नामक स्थान पर। कितनी दूर था वो? 240 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी उन्होंने पैदल तय की और उसके साथ साथ उनके साथ वो काफ़ी लंबा कारवां जुड़ता गया, जहाँ जहाँ से वो गुजरे लोग उनकी इस यात्रा में शामिल होते गए। तो वो किसके खिलाफ था? वो नमक बनाकर उन्होंने अंग्रेजी कानून भंग किया। वहाँ जाकर गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों के कानूनों को भंग किया था, अंग्रेजी कानून को भंग किया था। तो इस जो यात्रा थी तो साबरमती से 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली, उस यात्रा को दांडी मार्च यात्रा कहते हैं जो कि 240 किलोमीटर की थी। तो आप देखो 12 मार्च से चले और 6 अप्रैल को पहुंचे, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण स्वाधीन प्रस्ताव, पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी दिसंबर 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया, उसे कहते हैं पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। यानी वहाँ पर उन लोगों ने अपने लिए पूर्ण संविधान मांगा अंग्रेजों से, तो वो एक प्रस्ताव पास हुआ और इसी प्रस्ताव के अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ आया, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि देश के अंदर जो प्रांत है वो अलग अलग रूप से स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद आया भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध करो या मरो के नारे के साथ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। क्या उन्होंने लास्ट आंदोलन शुरू किया कि अब अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा लेसन 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 70 के दशक से 1947 तक, 1970 से लेके हमारे आजाद होने तक के बारे में, कौन कौन से कानून, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या क्या बातें थी
आपको समझा दी है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है और साथ साथ अपने बुक को रीड करना है। ओके, गुड डे।